हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ध्यान रखने योग बातें, थोड़ा समय निकालकर महिलाएं जरूर से सुने। नंबर एक, रोजाना खाली पेट एक चम्मच तिल को अच्छे से चबाकर खाएं, मरते दम तक कैल्शियम की कमी नहीं होगी। नंबर दो, ज्यादा अचार का सेवन करने से किडनी खराब होती है। नंबर तीन, गर्म पानी पीने से रक्त संचार अच्छा होता है। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से कब्ज और अपच जैसी समस्याएं भी नहीं होती हैं। नंबर चार, गर्म पानी पीने से रक्त संचार अच्छा होता है। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से कब्ज और अपच जैसी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नंबर पांच, यदि जोड़ों का दर्द है तो अंजीर खाया करें। अंजीर जोड़ों के दर्द में बहुत फायदा करती है। नंबर छह, आधा खीरा और 2 से 3 चम्मच दही को मिलाकर पेस्ट बनाएं और अच्छी तरीके से अपने चेहरे पर लगाएं और सूखने तक छोड़ दें। इसके बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इससे चेहरे पर तुरंत निखार आ जाता है। नंबर सात, रोजाना एक चुटकी कलौंजी खाने से इंसान हर तरह की बीमारी से बचा रहता है। नंबर आठ, यदि घी को फ्रेश रखना है तो उसमें एक इलायची मिलाकर रखें। इससे घी में खुशबू बनी रहेगी और घी जल्दी खराब भी नहीं होगा। और घी को उबालते समय यदि नींबू के पत्ते को आप उसमें डाल देते हैं तो उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। नंबर नौ, जिस घर में काली भेड़ मौजूद हो तो वह बदनजरी से हमेशा बचा रहता है। नंबर दस, टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाना एक बेहतरीन इलाज है। नंबर ग्यारह, अगर आप चाहते हैं कि रात में मच्छर परेशान ना करे तो सोने से पहले थोड़ी सी विक्स बदन पर लगाने से मच्छर नहीं आएंगे। नंबर 12, नाभि आपकी आंखों तक जाने वाली नसों से जुड़ी होती है। अगर आपकी आंखों की रोशनी खराब है तो सरसों का तेल नाभि पर लगाने से आपकी आंखों की सेहत में सुधार हो सकता है। यह सूजी हुई आंखों और काले घेरों को कम करने का भी एक अच्छा तरीका होता है। नंबर 13, शरीर में कैल्शियम तथा आयरन की कमी भी जोड़ों में दर्द का कारण हो सकती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड कुछ हद तक मदद कर सकते हैं इसमें। मांसाहारियों के लिए फिश एक बढ़िया उपचार है। नंबर 14, होठों को गुलाबी करने के लिए केसर में मक्खन मिलाकर लगाया करें। नंबर 15, हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो रोजाना सुबह उठकर खजूर खाएं। नंबर 16, दलिया पाचन तंत्र को सुधारता है, साथ ही वजन कम करने में भी मदद करता है। दलिया में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इससे ज्यादा खाने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 17, चेहरे से झाइयां हटाने के लिए आप एलोवेरा और नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप कटोरी में 1 चम्मच एलोवेरा जेल लें। इसमें 1 चम्मच नारियल तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। इसे रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह चेहरे को धो लें। इससे झाइयां धीरे धीरे कम होने लगेगी। नंबर 18, 1 ग्लास गर्म दूध में 1 चम्मच मेथी पाउडर और 1 चम्मच शहद व 1/4 चम्मच हल्दी डालकर सोते समय सेवन करने से कमर दर्द, घुटने का दर्द, शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। नंबर 19, नींबू को गर्म पानी में थोड़ी देर छोड़ देने के बाद फिर काटने से नींबू में ज्यादा रस निकलता है। नंबर 20, आधा खीरा और 2 से 3 चम्मच दही को मिलाकर पेस्ट बनाएं और अच्छी तरह से अपने चेहरे पर लगाएं, सूखने तक छोड़ दें। इसके बाद अपने चेहरे को ठंडा पानी से धो लें। इससे चेहरे पर तुरंत निखार आ जाता है। नंबर 21, रात की बासी रोटी खाने के फायदे होते हैं। बासी रोटी हल्की होती है और इसे पचाने में आसानी होती है। इससे आप अपच, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। नंबर 22, 3 से 4 अखरोट की गिरी रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से घुटने के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 23, सूखी और बेजान त्वचा से परेशान लोगों के लिए हल्दी और शहद का फेस पैक भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। शहद में मौजूद प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग गुण आपकी त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं और इसे मुलायम बनाते हैं। वहीं हल्दी में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी और
एंटीऑक्सीडेंट गुण मुहासों और त्वचा की अन्य समस्याओं से लड़ने में भी मदद करते हैं। नंबर 24, भोजन के साथ कच्चा प्याज खाने से बीपी कंट्रोल में रहता है, नसों की ब्लॉकेज ठीक होती है और मेमोरी पावर भी बढ़ती है। नंबर 25, रोज रात को 2 चम्मच दूध में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से चेहरे पर चमक आती है। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड आपकी त्वचा को नेचुरल एक्सफोलिएट करता है, जिससे आपकी त्वचा चमकदार और दाग धब्बे से मुक्त हो जाती है। नंबर 26, प्याज का रस आपको डेंडर की समस्या से भी बचाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो बालों को साफ करते हैं, इससे बाल घने और मजबूत हो सकते हैं। नंबर 27, 3 से 4 अखरोट की गिरी रात को पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से घुटने के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 28, अगर हरी सब्जी बासी लग रही है तो ठंडा पानी में थोड़ा सा नींबू डालकर 2 घंटे के लिए इसमें रख दें, निकालकर सब्जी ताजा लगेगी। नंबर 29, लहसुन और लौंग में प्याज का रस आपको डैंड्रफ की समस्या से बचाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो बालों को साफ करते हैं, इससे बाल घने और मजबूत हो जाते हैं। एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाने के कारण सरसों के तेल में लहसुन और लौंग को गर्म करके स्कैल्प पर लगाने से बाल को जड़ों से मजबूती देने और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है। नंबर 30, 1 से 2 चम्मच मेथी दाने को 1 कप पानी में भिगोकर रख दें, सुबह उठकर इसे छानकर खाली पेट पी लें, इसे पेट की चर्बी घटाने में मदद मिल सकती है और पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। नंबर 31, दालचीनी वैसे ही आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन अगर आप दालचीनी के पानी को खाने के बाद पीते हैं तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने और एंड्रोजन लेवल को कम करने में मदद करता है, जिससे फेसियल और शरीर के बाकी हिस्सों में उगने वाले बालों में भी कमी आती है। नंबर 32, गर्म पानी पीने से रक्त संचार अच्छा होता है, सुबह सुबह गर्म पानी पीने से कब्ज और अपच जैसी समस्याएं भी राहत मिलती है। नंबर 33, रोज 1 गिलास दूध में गोंद कतीरा और मिश्री मिलाकर पीने से शरीर की कमजोरी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। नंबर 34, अगर आप रोजाना सुबह नाश्ते में 1 कटोरी साबुदाने की खीर खाते हैं तो इससे वजन तेजी से बढ़ता है। नंबर 35, जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है उन्हें रात के समय अजवाइन खाकर सोना चाहिए और सुबह के समय पपीता भी खाना चाहिए। नंबर 36, अपनी डाइट में सौंफ को शामिल कीजिए। सौंफ के खाने से बालों का झड़ना रुक सकता है और उसकी ग्रोथ बढ़ने में भी मदद मिलती है। सौंफ खाने से बालों में डैंड्रफ की समस्या भी कम हो जाती है। नंबर 37, रात की रोटी अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है, साथ ही हमें बीमारियों से भी बचाती है। मोम की तरह पिघला सकती है पेट की चर्बी, 1 महीने में मोटा पेट होने लगेगा पतला, बस इस तरह करें मेथी दाने का इस्तेमाल। पेट की चर्बी घटाना एक कठिन काम हो जा सकता है, लेकिन सही डाइट और घरेलू उपाय से इसे संभव बनाया जा सकता है। अगर आप भी अपने पेट की चर्बी से परेशान हो गए हैं तो मेथी दाने का सेवन मोटापा घटाने के लिए एक प्रभावी तरीका हो सकता है। नंबर 38, सौंफ के तेल से बालों में की ग्रोथ बढ़ती है और बालों का झड़ना भी कम हो सकता है। नंबर 39, यदि जोड़ों का दर्द है तो अंजीर खाया करें, अंजीर जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यह जानकारी एक सामान्य जानकारी है, इसे यूज करने से पहले आप अपने विशेषज्ञ से जरूर से कंसल्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलती हूँ इसी तरह की और कुछ वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।